आपका गृह मंत्री जी, आप धन्यवाद माननीय एलओपी श्री दुष्यंत गौतम जी। माननीय दुष्यंत गौतम जी सर, लोकसभा से। लोकसभा से प्लीज। आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय उपसभापति जी, मुझे अभी भी जम्मू कश्मीर चुनाव में जाने का मौका मिला और उस मौके के अंदर मैंने देखा कि किस प्रकार आज़ादी के बाद 370 के माध्यम से वहाँ के लोगों को किस प्रकार से आज़ादी मिली है। आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी ने अनेकों अनेक रियासतों को इकट्ठा कर एक देश का निर्माण किया था, लेकिन तथाकथित उस समय के शासनकर्ताओं ने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को इस तरीके से बना दिया कि सबकी रियासतें खत्म हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तीन रियासतें लगातार 370 के कारण चलती रही और वो 70 वर्ष तक तीन रियासतें, चाहे वह मुफ्ती जी की रियासत हो, चाहे अब्दुल्ला परिवार की रियासत हो, चाहे नेहरू परिवार की रियासत हो, इन रियासतों ने लगातार इस प्रकार से शासन किया जैसे रजवाड़े राज करते हैं और लगातार वहाँ की जनता का शोषण करते रहे। मुझे ध्यान है कि जब संविधान बना था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया था और उनके वोट के अधिकार में कहा था कि मैं आज के बाद वोट के अधिकार से रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होंगे, रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, हमारे वोट के अधिकार से पैदा होंगे। लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर में गया, छोटे निकायों के अंदर 70 वर्ष बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला, 70 वर्ष बाद उनको लगा कि हमें आज आज़ादी मिल रही है, 70 वर्ष बाद लगा कि उनकी मौलिक ज़रूरतें जो हैं उनका पूरा करने के लिए वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और उसके बाद लगातार जो विश्वास वहाँ की जनता ने दिया, जो हम सुनते आ रहे थे उस समय के लोगों ने कहा था कि ये 370 हम लगा रहे हैं घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन 70 वर्ष के अंदर जनता ने जब देखा कि ये तो नहीं हटाएंगे, लेकिन हटाने के बाद उन्होंने तीनों दलों को इस प्रकार से घिस दिया, चाहे वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तेलुगु अपना मुफ्ती जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, तीनों दलों के अगर अब बहुमत को देखते हैं, तीनों को जोड़ के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक सर्वोपरि दल के रूप में वहां पर खड़ी हुई है। ये साफ साफ लगता है कि धारा 370 कहीं ना कहीं उनका शोषण कर रही थी। आदरणीय उपसभापति जी, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे भी जाने का मौका मिला, भी जिस प्रकार से वहां सीज फायर चल रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन मैंने पूर्व का समय भी देखा है, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की घुसपैठ वहाँ पर बढ़ रही थी, वो घुसपैठ आज सीज फायर को तोड़ने के रूप में दिखाई देती है, लेकिन पूर्व के शासन के अंदर वो सीज फायर उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही राष्ट्रीय विरोधी ताकतें इकट्ठा थी, स्कूलों को जलाया जाता था और वहाँ पर हमारे सैनिकों पर पत्थर मारे जाते थे, वहाँ के लोग आतंकवाद के माध्यम से वहाँ की जनता को मारने का काम करते थे। मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि हमारे उस समय के शासन करने वाले कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठकर मोदी जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी वो करते थे। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण देश के अंदर दिया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि उस शासन में सीज फायर की पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही, जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसी ताकतें बैठी हुई थी जो हमको डिमोरलाइज करती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि सीज फायर जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान कर रहा है, वो अपनी फेस सेविंग कर रहा है खाली अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जब पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं उससे पर्दा डालने का वो काम कर रहा है। आदरणीय उपसभापति जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी तिरंगे जी की बात जो यहाँ पर हुई थी लाल किले पर, मुझे ध्यान है लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए, तिरंगा झंडा फहराने के आदरणीय उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी ने अपने नेतृत्व में आह्वान किया था कि मैं कश्मीर के अंदर लाल चौक पर झंडा फहराना चाहता हूँ।
लाखों लोग पूरे देश से चले थे तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन शासन करने वाले उस समय तथाकथित जो देश पे शासन करने वाले थे, उन्होंने माहौल का वातावरण इस प्रकार से बना दिया कि लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए 5-6 लोगों को अनुमति दी गई, जिसमें 5,000 पुलिस वाले साथ आसपास में लगाए गए। और उस समय आदरणीय हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि मैं लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जा रहा हूं, किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो झंडा फहराने से मुझे रोक कर दिखाए। और आज उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि आज उनके शासनकाल के अंदर जम्मू कश्मीर में ही नहीं, खाली लाल चौक पर ही नहीं, पूरे देश में और देश में खासकर जम्मू कश्मीर में किसी भी कोने में तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। ये स्थिति आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे शासन ने पूरी की है। और उस समय हमने तिरंगे की कदर की थी, लेकिन आज दुख होता है कि जिस प्रकार से लाल किले पर तिरंगा झंडे का अपमान किया गया, और अपमान करने वाले लोग जो किसान आंदोलन के माध्यम से किसान का पर्दा पहनकर वहां पर गए थे, सभी दलों ने खासकर किसान के सभी नेताओं ने उसका वर्णन किया कि हम उसको मान के चलते हैं कि वो एक गलत काम था, एक घिनौना काम था। लेकिन दुख जब होता है कि तिरंगा फहराने के जो तिरंगे का अपमान करने वाले लोग थे उनको सजा देने की बात होती है तो सभी कहते हैं कि उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन जब हम बात करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं तिरंगा फहराने वालों को, जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया है, जिन्होंने और धर्म का वहां पर झंडा फहराया, जब आइडेंटिफाई करते हैं तो यही कांग्रेस के लोग उन लोगों के लिए 70 वकील खड़े करते हैं, उनको बचाने के लिए खड़ा करते हैं। बड़ा दुख होता है कि एक पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी वहां पर गई, एक व्यक्ति स्टंट करते हुए उसकी किसी प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई। हम उस पर जाने पे कोई परहेज नहीं कर रहे, जाना चाहिए था किसी की मृत्यु पर, लेकिन उनको 400 लोगों जो हमारे वहां पर सिपाही थे, सैनिक थे, जो अस्पतालों के अंदर भर्ती थे, परेशान थे, तकलीफ में थे, उन पर जाने का उनको मौका नहीं मिला। ऐसी हालत आज तिरंगे झंडे के साथ में अपमान पे अपमान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में लगातार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि अगर इतने ही वकील खड़े करने होते, अगर इतने वकील ये 84 के दंगों के लिए खड़ा कर देते, तो मेरे ख्याल 84 के दंगों के अंदर जो लोग नामित थे, जिन्होंने सिखों को मारा था, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने लिए न्याय के लिए मोदी सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ता कि मोदी सरकार आएगी और उनको सजा देने का काम करेगी। इस प्रकार से ये लगातार हमारे देश को आज हमने एक आतंक मुक्त शासन दिया है। हम देखा करते थे कि 2014 से पहले लगातार देश के अंदर, बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, अनेकों अनेक मार्केटों के अंदर यही लिखा रहता था, कृपया देखें कोई आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। लेकिन हमारे सुशासन के कारण आपको दिखाई देगा कि आज देश के अंदर क्या, बस के अंदर की क्या, देश में किसी भी कोने में किसी को बम तो बम पटाखा छोड़ने की भी इजाजत नहीं है। किसी भी हमारे देश के नागरिक बिना किसी खतरे के कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसा शासन देने का हमने काम किया है। आदरणीय, मुझे ध्यान आता है कि 370 धारा 370 जब लगाई गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये 370 जो है ये पूरा देश कमाएगा और कश्मीर बैठकर खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब कश्मीरियों को ये हक है तो पूरे देश को भी हक है। जब कश्मीरी पूरे देश में रह सकता है तो पूरा देश भी कश्मीर के अंदर रह सकता है। लेकिन दुख जब होता है, हमारे जो कश्मीर के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान चल रहे थे, हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था कश्मीर को अंदर जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये कांग्रेस के लोग जो 370 की वकालत करते थे, जो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, मुझे ध्यान है कि 70 के दशक के अंदर वहाँ तक वहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होता था। मैं अभी पीछे गया था, कश्मीर जम्मू गया था, विधानसभा के सामने एक मूर्ति का अनावरण किया था मैंने, भक्त अमरनाथ जी का, उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने एक आंदोलन वहाँ पर किया था,
असेंबली के सामने भूख हड़ताल की थी और उनका बलिदान हो गया था। उनके बलिदान के बाद में वहां पे आरक्षण मिलना शुरू हुआ। आदरणीय महोदय, 370 हटने के बाद में आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि नौकरी में ये हो गया, नौकरी में ये हो गया। किसी को ये चिंता नहीं थी कि लाखों वाल्मीकि समाज के लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहते थे, उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, अनेकों अनेक उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की। लेकिन वहाँ की सरकार ये कहती थी कि 370 के तहत हम आपको सफाई कर्मचारी ही बना सकते हैं, हम आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते। ऐसा घिनौना अपराध अनुसूचित जाति वर्ग के लिए किया गया, उनके लिए नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी ऐसा ही किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी का सिर्फ एक ही कसूर था कि वो 370 नहीं चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी का एक ही कसूर था कि मजबूत भारत चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी का यही कसूर था कि वे तुष्टिकरण की नीति को नहीं चाहते थे। इसी का कारण है इस कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल के अंदर, इनकी शासनकाल का जब कांग्रेस खत्म हो गई और उनको भारत रत्न जब मिला, जब गैर कांग्रेसी सरकार देश के अंदर थी, ये उनका 36 का आंकड़ा जो डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए था। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और दिल्ली में जब बच्चों को घुमाने के लिए जाते थे और जब हम मार्केट में घुमा करते थे, बच्चों को दिखाया करते थे, अनेकों अनेक समाधियाँ दिखाया करते थे, अनेकों अनेक संग्रहालय दिखाया करते थे, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसलिए हमारे बच्चे भी पूछता करते थे, पापा सबकी समाधियाँ दिखाई देती है, सबके संग्रहालय दिखाई देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहाँ है और डॉक्टर अंबेडकर का संग्रहालय कहाँ है। बड़ा दुख होता था कि जिस समय डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम सांस ली, उस समय के शासनकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी डेड बॉडी को यहाँ से दिल्ली से कहीं भी अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और उनको बम्बे ले आकर उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहाँ पर भी एक छोटी सी चैत्य भूमि बनाई गई, जो भी वो भी आदरणीय गडकरी जी जब राज्य मंत्री थे वहाँ पर, उन्होंने उनके एक समुद्र के किनारे दादर पर एक चैत्य भूमि बनाई और उस पर हमारे सारे अनुसूचित जाति वर्ग के डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी जो उनको कहते थे, मानते थे और जो उस समय के शासनकर्ताओं वालों से निवेदन और प्रार्थना करते रहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जी को भी सम्मान दीजिएगा, कभी भी सम्मान नहीं दिया गया। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से बिना वोट बैंक की राजनीति के उन्होंने कहा जब सबकी समाधि हो सकती है तो डॉक्टर अंबेडकर की समाधि क्यों नहीं, और उन्होंने वहाँ पर हिंदू मिल बंद पड़ी हुई थी 10.5 एकड़ की हिंदू मिल लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि चैत्य भूमि बनाने का काम किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय उपसभापति जी, ये पीड़ा तकलीफ है और तकलीफ बार बार रोती है और कहती है कि मैं सभी के संग्रहालय गया, मैंने इंदिरा गांधी के संग्रहालय भी जाकर देखा, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि उनकी जो साड़ी पे गोली लगी थी वो साड़ी भी दिखाई देती है। ऐसे कहने को महापुरुषों के जिनके संग्रहालय मैंने दिल्ली के अंदर देखे या देश के अंदर देखे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संग्रहालय मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि इनको अभी तक शासन करने में यही लगा कि अगर किसी और को महापुरुष बना दिया तो नेहरू खानदान का हम कैसे गुणगान करेंगे। आज मुझे मालूम पड़ रहा है जब 26 अलीपुर रोड से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था इन कांग्रेसियों ने, और वो सामान उठाकर उनके साथ में नानक रत्न जो अजगले थे वो सामान को लेकर नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिंचोली गांव अपने यहाँ ले गए थे और वहाँ पर उस सामान को रखा गया। और मुझे ध्यान आता है 2013 के अंदर एक मीडिया ने आवाज़ उठाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये सामान जो एक घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति होता है, उसकी चारपाई भी होती है, उसकी कुर्सी भी होती है, उसकी टेबल भी होती है, पढ़ाई का सामान भी होता है, वो वायसराय थे, कोट भी पहना करते थे, टाइयाँ भी डाला करते थे। जब मैं वहाँ पर गया, जाकर मैंने देखा सारी टाइयों को दीमक खा गया है। माननीय दुष्यंत जी, आप कंक्लूड करें, आपका समय पूरा हो रहा है। जी जी, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, आप समय कम सर, है, आप कंक्लूड करें। कंक्लूडिंग टाइयों को भी दीमक खा गई है, कोटों को भी दीमक खा गई है, जिस संविधान, जिस टाइपराइटर से संविधान लिखा गया वो भी टूट गया, जिस कुर्सी में बैठते थे वो कुर्सी भी टूट गई है, लेकिन कभी इन्होंने चिंता उसकी नहीं की। आज वहां पर 13 एकड़ जमीन के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी का संग्रहालय बनाने का हम काम कर रहे हैं। आदरणीय उपसभापति जी, लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक मंच हो सकती और विरोधी दलों ने बना लिया कि हम सीए का भी विरोध करेंगे, सीए लाना चाहते थे। माननीय दुष्यंत जी, खत्म करें,
प्लीज माननीय दुष्यंत जी खत्म करें। मैं कहूंगा मुझे दो तीन मिनट दे देंगे तो मैं अपनी बात को पूरा रख दूंगा। जो समय तय है होने वाला था तो दलितों को लाभ होने वाला था, समय की सीमा है अगर इन्होंने किया। और मैं तो अंतिम में खत्म करता हूँ साहब, CA GST सारे इनके बनाए कानून को हम लाने का काम कर रहे हैं, इनकी विरोध की मानसिकता। धन्यवाद धन्यवाद माननीय दुष्यंत जी। अगर मोदी जी इनको हलवा भी खिलाएंगे धन्यवाद और कहेंगे मीठा हलवा है तो ये कहेंगे नहीं हलवा फीका है, चीनी मीठी थी खाली। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ऑनरेबल श्री ए नवनीत कृष्णन जी। थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन।